प्रभु ने अपनी असीमित दया में हमको एक बार और ये मौका दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। जो भाई पहली बार आए हैं उनका हार्दिक स्वागत। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस तरह से एक साथ बैठकर गाने गा के प्रार्थना करके चर्चा वगैरह जो करते हैं, ये आपको आत्मिक जीवन में बहुत अधिक फायदा करेगा। हम बार बार एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर लेते हैं, जनरली यीशु मसीह। चूँकि अपन कई अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो मैं याद दिला दूँ कि प्रभु यीशु का नाम अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। जो लोग केरल के हैं और मलयालम बोलते हैं वो लोग यीशु बोलते हैं, बहुत सारे लोग यीशु बोलते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल इलाके में ईसा बोलते हैं। सब एक ही व्यक्ति के बारे में हैं और ईसा के अनुयायी हम लोग प्रभु के वचन को देखने, सुनने, समझने और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने और उस चाल चलन के द्वारा जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना है, ये जानने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं जब क्लासेस लूँगा तब बार बार यीशु शब्द का उपयोग करूँगा, क्योंकि इस इलाके में वो कॉमन है। लेकिन यदि आपने ईसा शब्द सुन रखा है या उसका उपयोग करते हैं, तो सिर्फ इतना याद रखें कि दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। इतना ही नहीं, मैं न केवल प्रभु यीशु के बारे में बताने जा रहा हूँ, मैं पवित्र बाइबल, जो कि प्रभु यीशु के अनुयायियों ने लिखी हैं, उसमें से परमेश्वर के वचन की कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। इसके पहले के क्लासेस में मैंने बताया था कि इस महान ग्रंथ का लगभग दो तिहाई प्रभु यीशु के समय के पहले और एक तिहाई प्रभु यीशु के समय के बाद लिखा गया था। प्रभु ने स्वयं इसमें कुछ नहीं लिखा है, बल्कि 40 अलग अलग लेखक जिनको प्रभु ने स्वयं चुन लिया, प्रभु से मेरा मतलब है ईश्वर ने, परमेश्वर ने चुन लिया था, ऐसे लोगों ने इन पुस्तकों को लिखा। कुल 66 किताबों का एक समूह, एक कलेक्शन है, जो लगभग 1500 साल लिखा गया, 1500 साल के अवधि में लिखा गया था। प्रभु यीशु 2000 साल पहले हिंदुस्तान से पश्चिम की तरफ पलस्तीन नाम के देश में पधारे थे। मनुष्य रूप में ईश्वर इस तरह से इसलिए पधारे जिससे कि मनुष्य को एक नया जीवन दे सके। 30 साल की उम्र तक वे अपने माँ बाप के साथ रहे, माँ बाप की खूब जम के सेवा की। लेकिन जब वो 12 साल के थे, तभी से ये बात स्पष्ट हो गया था कि कुछ तो अलग है, और उनकी माँ ने तुरंत पहचान लिया था कि प्रभु अन्य अपने उम्र के बालकों से अलग है। क्योंकि लगभग 12 के थे तभी प्रभु ने यह स्पष्ट कर दिया था कि प्रभु एक मनुष्य नहीं है, और प्रभु इस संसार में जस्ट मनुष्यों के समान रहने के लिए नहीं पधारे, बल्कि मनुष्यों को एक नया जीवन देने के लिए पधारे हैं। 30 साल की उम्र में प्रभु को जब यह स्पष्ट हो गया कि अब मेरा सेवा काल आ गया है, तो प्रभु अपना घर बार, माँ बाप सबको छोड़कर बाहर निकल गए, और उन्होंने सबसे पहले तो 12 जवान लोगों को चुना, अलग अलग पेशे के लोग थे। उन 12ों से कहा कि मेरे खास शिष्यों की हैसियत से मेरे सेवा काल में मेरे साथ रहो। ये 12 लोग प्रभु के साथ हो लिए। इनके अलावा और भी बहुत सारे लोगों को प्रभु ने अपने लिए चुन लिया था, लेकिन ये 12 बहुत मुख्य हैं, क्योंकि इन 12ों के नाम हमको मालूम है। इन शिष्यों में से कुछ लोगों ने, और शिष्यों के जो बहुत क्लोज थे उन लोगों ने, प्रभु यीशु के समय के बाद बाइबल के एक तिहाई ग्रंथों की रचना की, जिसके द्वारा प्रभु यीशु का जीवन चरित्र हमको बहुत डिटेल में मिलता है। प्रभु के 4 अनुयायियों ने प्रभु का जीवन लिखा है, जिनमें से
प्रभु के बहुत ही अभिन्न शिष्य थे जिनका नाम था मत्ती। अपनी भाषा में उस नाम का कोई मतलब नहीं है, ना ही हिंदुस्तान में कोई अपने आप को उस नाम से बुलाता है, लेकिन इस बात को हम ना भूलें कि अलग अलग इलाकों में, इवन अपने हिंदुस्तान में ही दक्षिण में नाम अलग होते हैं, मध्य प्रदेश में अलग प्रकार के नाम होते हैं, बिहार उड़ीसा में अलग प्रकार के होते हैं, राजस्थान में अलग प्रकार के होते हैं। तो आज से 2000 साल पहले फलस्तीन में यह नाम बहुत चलता था, उस व्यक्ति का नाम था मत्ती। प्रभु के 12 शिष्यों में से एक महान शिष्य थे, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने प्रभु यीशु के जीवन को सबसे पहले लिखा, और इसलिए बाइबल का जो उत्तरार्ध है उसमें पहली पुस्तक का नाम है मत्ती, जिसके 6 अध्याय की तरफ आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यदि आप में से किसी के पास बाइबल का, हिंदी बाइबल का यह संस्करण है, तो नए नियम में पेज 9 पर है। यदि आपके पास नहीं है तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। प्रभु 30 साल की उम्र में जब निकल पड़े और प्रभु ने जब शिक्षाएं देना शुरू की, तब कई लोगों ने प्रभु से एक बात पूछी कि प्रभु, आपकी शिक्षा का मतलब यह है कि मनुष्य सीधे ईश्वर से प्रार्थना, याचना, विनती कर सकता है? तो प्रभु ने हमेशा जवाब दिया कि मनुष्य को हमेशा डायरेक्टली ईश्वर से या परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। तो एक बार उन लोगों ने पूछा कि प्रभु किस तरह से प्रार्थना करें, प्रभु ने इसका जवाब दिया था, जो कि हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 9 पद से पढ़ते हैं। वहाँ प्रभु यीशु ने स्वयं बोला, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। ये बाइबल से ये पोर्शन आज मैंने आपके सामने इसलिए रखा है कि हम जितने लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम में से कई लोगों ने प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु के बारे में सुना, प्रभु की शिक्षाओं के बारे में सुना, इस बात को समझा कि मैं और आप पापी हैं, और इस बात को समझने के बाद ये भी समझा कि प्रभु यीशु ने हमको नवजीवन या नया जीवन या मुक्ति दी है। जिस क्षण मैंने और आपने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, उस क्षण प्रभु ने ना केवल हमको एक नया जीवन दिया बल्कि हमको अपने बच्चे बनाया। तब से मैं और आप प्रभु के पुत्र और पुत्री हैं। पुत्र और पुत्री होने के कारण ये हमारा धन्य जीवन में बहुत धन्य अवसर है कि हम अपनी सारी जरूरत जाकर अपने पिता से, प्रभु यीशु से बोल सकते हैं। लेकिन ये शिष्य जानना चाहते थे कि प्रभु, यदि हम आपसे प्रार्थना करें तो अभी कैसे प्रार्थना करें, क्या क्या बोलना है, क्या क्या नहीं बोलना है। ये हम जानते हैं, जब एक परिवार में जब बच्चा पैदा होते हैं या बच्चे पैदा होते हैं, तो सबसे पहले वो क्या सीखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जब बच्चा पैदा होता है तो वो बोल नहीं सकता है, बोली समझ नहीं सकता है, लेकिन उसकी आंखें हमेशा माँ की तरफ रहती हैं। कुछ दिन में उसकी आंखें पिता को पहचानने लगती हैं, कुछ और दिन के बाद वो पहला शब्द, जनरली बच्चे जो पहला शब्द बोलते हैं वो है माँ, कुछ और टाइम के बाद बच्चे जो दूसरा शब्द बोलते हैं वो है पिताजी, डैडी, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द है। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति आत्मिक जीवन में जन्म पा लेता है, प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके जब वो एक आत्मिक शिशु बन जाता है, तो जिस क्षण वो शिशु बन जाता है उस क्षण से इस नवजात बच्चे के समान उसकी नज़र हमेशा अपने पिता के चेहरे पर होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है और बड़े होने के साथ साथ पिता को नाम लेकर पिताजी कहता है, और कुछ और टाइम के बाद जब
दो चार शब्द और बोलने लगता है तो जब उसको भूख लगती है तो दूध बोलना सीखता है। मैंने खुद देखा है, मेरे दो बच्चे हैं, ये सब मैंने खुद देखा है किस तरह से वो पहले शब्द बोलते हैं। इसी तरह से आज मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने और आपने जिन्होंने प्रभु के इस परिवार में नया जन्म पाया है, हम सब आत्मिक रूप से शिशु हैं। आत्मिक रूप से शिशु होने के कारण पहली चीज जो हमें सीखनी चाहिए वो है हमारी नज़र लगातार प्रभु की ओर होनी चाहिए, जैसे बच्चे की नज़र पहले माँ की तरफ और उसके बाद पिता की तरफ जाती है। नज़र जब पिता की तरफ जाती है या माँ की तरफ जाती है, कुछ समय के बाद बच्चा पिता को देखकर खुश होने लगता है और अपनी खुशी मुस्कराहट से जाहिर करता है। इवन बोलने से पहले बच्चे मुस्कराना चालू करते हैं, ये बात हम जानते हैं। इसी तरह से मेरे और आपके आत्मिक जीवन में प्रभु की तरफ देखना और प्रभु को देखकर हमारे मन में खुशी का अनुभव होना, ये भी जरूरी है। लेकिन इन सब के बाद जैसे एक बच्चा अपने माँ या बाप से बातचीत करना शुरू करता है, उसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु से हमारी बातचीत जरूरी है। बच्चा माँ बाप से तब बात करता है जब माँ बाप बच्चे से बात करते हैं, ये कोई वन वे नहीं है, इस बात को हम याद रखें। जब वो पैदा होता है तभी से माँ बाप उसको नाम से पुकारते हैं, उसको बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, सुन सुन के वो भी वापस बोलता है। तो इस तरह से प्रभु की वाणी सुनना और प्रभु से बात करना, ये हर आत्मिक शिशु के लिए जरूरी है। प्रभु ने यह स्पष्टतया बताया कि प्रभु से जब हम बात करते हैं, प्रार्थना के द्वारा जब हम बात करते हैं, तब क्या क्या करना है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यहाँ एक विशेष बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु यीशु ने बहुत क्लियरली ये बात बताई कि जिन लोगों ने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके नया जीवन पाया है, वे लोग ईश्वर को, परमेश्वर को, उस प्रभु को एक बहुत दूर बैठे हुए एक क्रूर, कठिन, कठोर व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक पिता के रूप में देखते हैं, एक पिता के रूप में बात करते हैं, और एक पिता से जैसे बच्चा बहुत ही आकस्मिक तरीके से बात करता है, वैसे ही आत्मिक जीवन में भी हमें बात करनी चाहिए। हम सब जानते हैं, अपन सब स्कूलों में पढ़ चुके हैं, स्कूल में कुछ मास्टर या मास्टरानी ऐसे होते हैं जिनका नाम सुनते ही डर लगता है। हम जब पढ़ते थे तो हमारे एक सर थे, उनका नाम लेते ही बच्चे डर जाते थे, क्योंकि उस जमाने में तो वो लोग मुर्गा बना के खड़ा कर देते थे। आजकल स्कूलों में इसकी मना ही हो गई है, लेकिन हम जब पढ़ते थे तब बड़ी कड़ी सजा देते थे। कई लोगों का ईश्वर के बारे में कई लोगों की धारणा या कई लोगों का सोचना बिल्कुल ऐसा ही है कि ईश्वर जानबूझकर डांटने, डपटने, सजा देने और मेरे और आपके साथ कड़ाई के साथ व्यवहार करने के लिए ऊपर मौजूद हैं। ऐसा नहीं है। प्रभु ने ये बात, प्रार्थना कैसे करनी है इसके द्वारा ये एकदम से स्पष्ट कर दी कि मैं और आप, मुझसे और आपसे स्नेह करने वाले माँ बाप के साथ जिस तरह से प्यार के साथ, स्नेह के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ हम अपने माँ बाप के पास जाकर उनसे बात करते हैं, उसी तरह से हमको परमेश्वर से बात करनी चाहिए, प्रभु से बात करनी चाहिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। इस बात को तो हम जानते हैं कि जनरली ईश्वर का निवास स्वर्ग में माना जाता है, उसके बारे में अभी मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बोलूँगा। स्वर्ग में होते हुए भी, हमारे सृष्टिकर्ता होते हुए भी, पिता तुल्य हमसे प्रेम करते हैं, और इसलिए पुत्र या पुत्री तुल्य हमको भी पिता से प्रेम करना चाहिए। यहाँ
आज जो मैं बात बताना चाहता था अब उसका जरा सारांश देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सारांश यह है कि मैंने और आपने, जिसने भी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, अब हम उस परिवार में हो गए हैं। इस कारण हमको पिता की वाणी सुननी है और हमें पिता से बात करनी है। पिता की वाणी कैसे सुनेंगे? पिता की वाणी सुनने के लिए प्रभु ने अपना वचन दिया है, इसका नियमित रूप से पाठ करना हमारे लिए जरूरी है। पिता से हम बात कैसे करेंगे? नियमित रूप से पिता से प्रार्थना, विनती, याचना करना जरूरी है। और इसलिए आज मैं आपको ये बताना चाहता था कि प्रभु यीशु के एक बच्चे के जीवन में प्रार्थना उसे कैसे करनी चाहिए। याद करके जस्ट कोई श्लोक या यांत्रिक तरीके से याद की हुई प्रार्थना नहीं, प्रभु यीशु ने इस बात को स्पष्ट किया कि जो उनकी संतान है, जो उनके बच्चे हैं, वे लोग बिल्कुल उसी तरह से प्रभु से बात करें जिस तरह से बच्चे माँ बाप से बात करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के प्रार्थना जीवन के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ। प्रभु का आपने ग्रहण किया, आप जानते हैं कि नव जीवन आपका है, अब आपके जीवन में डेली प्रभु से बातचीत करना या प्रार्थना आपको एक आदत के रूप में डाल लेनी चाहिए। बच्चे माँ बाप से कब बात करते हैं? जब जब जरूरत होती है बात करते हैं। किस लिए बात करते हैं? अपनी जरूरत माँ बाप को बताने के लिए। क्या सिर्फ अपनी जरूरत बताने के लिए माँ बाप से बात करते हैं? इसको जरा सोचें। जब बच्चा छोटा होता है तब वो अपनी ज़रूरत के लिए माँ बाप से बात करता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपने माँ बाप से इसलिए भी बात करता है कि माँ बाप से बात करना उसके जीवन में बड़े आनंद की बात है। मेरे दो शादीशुदा बच्चे हैं, साल में एक या दो बार जब वो लोग एक साथ आते हैं तो खाना खाने के बाद कई बार घंटों उस टेबल पर बैठकर हम बात करते हैं। क्या ये घंटों जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ डैडी मुझे वो चाहिए, डैडी मुझे ये चाहिए ये बोलने के लिए? नहीं नहीं, अब तो वो बोलते ही नहीं, बल्कि मैं उनसे कुछ कहूँ तो वो कहते नहीं डैडी मैं खरीद लूँगा या खरीद लूँगी, बल्कि वो खरीद के मुझे देने के लिए तैयार है। लेकिन फिर ये घंटों बातचीत क्यों? इसलिए कि जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं वहाँ अपने माँ या बाप से बातचीत करना हमारे लिए बहुत आनंद की बात है, बहुत आनंद देता है। लेकिन ये आनंद तभी आएगा जब बच्चा बचपन से मम्मी को मम्मी, डैडी को डैडी कहना शुरू करता है और धीरे 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 उनके साथ उसका रिश्ता मजबूत होता चला जाता है। इसी तरह से प्रत्येक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना के दो उद्देश्य हैं। जब वो नया नया होता है आत्मिक जीवन में तो उस समय उद्देश्य ये है कि अपनी ज़रूरतें प्रभु को बताए, लेकिन जैसे जैसे वो अपने आत्मिक जीवन में बढ़ता चला जाता है तो प्रार्थना का एक दूसरा लक्ष्य उसके जीवन में आता है और वो है अपने आत्मिक पिता के साथ संगति का अनुभव करना। समय लगता है। एक छोटा सा बच्चा जो 3 साल का है वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर 50 विषयों के ऊपर अपने माँ बाप से बात नहीं कर सकता है, लेकिन वही 3 साल का बच्चा जब 30 साल का हो जाता है तो इतना ज्ञानी, इतना अनुभवी हो जाता है कि अपने, इवन अपने से ज़्यादा एजुकेटेड अपने पिता के साथ बैठकर वो बहुत सारी बातों की चर्चा कर सकता है। ऐसा ही आत्मिक जीवन में होता है। मैंने और आपने जिस आत्मिक परिवार में जन्म लिया है उस परिवार में प्रभु की वाणी नियमित रूप से सुनने के लिए परमेश्वर के वचन को नियमित रूप से पढ़ें। कैसे पढ़ें, कैसे अध्ययन करें, ये हम किसी और क्लास में देखेंगे। लेकिन जिन्होंने भी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है उनमें से हर व्यक्ति के पास परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए परमेश्वर का ये वचन होना चाहिए। हम में से हर एक की भाषा में ये उपलब्ध है। जो भाई लोग मेरी वाणी सुन रहे हैं उनमें से यदि किसी को उनकी भाषा में बाइबल अभी तक नहीं उपलब्ध हो पाया है, बस हमको बता दीजिए कि आपको किस भाषा में चाहिए और 2 हफ्ते में हम इंतजाम करवा देंगे, क्योंकि भारत की सभी मुख्य भाषाओं में बाइबल इस समय उपलब्ध है।
हिंदी और बंगाली में उड़िया भाषा में इमीडिएटली हमारे पास उपलब्ध है। और कोई भाषा चाहिए बस बताने की जरूरत है, हम उसको अरेंज कर देंगे। तो प्रभु की वाणी नियमित रूप से सुने। नंबर टू, नियमित रूप से प्रभु के साथ बातचीत करें। जिस तरह से बच्चा पहले अपनी जरूरत बताने के लिए माँ बाप से बात करता है और बाद में माँ बाप से बातचीत करके उस बातचीत के द्वारा वो बहुत अधिक खुशी और आनंद पाता है, उस तरह से बात करें। लेकिन बच्चा यदि माँ बाप से इस तरह से मैच्योर या परिपक्व रीति से बात करना चाहता है या बच्चे को बात करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब वो पैदा हुआ तब से माँ बाप के साथ उसका जो रिश्ता है वो दिन प्रतिदिन और स्ट्रांग होता जाए, जिससे कल को जब वो अपने जीवन में मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तब माँ बाप से और अधिक मैच्योर तरीके से बात कर सके। तो उस प्रार्थना का पहला स्टेप ये है कि हम इस बात को समझें, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, मतलब जो स्वर्ग में निवास करते हैं, जिनका इवन नाम पवित्र है, उस व्यक्ति को पिता के रूप में देखकर मुझे और आपको प्रभु से प्रार्थना करनी है या याचना करनी है। प्रभु के साथ डर डर के नहीं, यह सोच के नहीं कि प्रभु बहुत क्रूर सजा देने वाला व्यक्ति है। नो, प्रभु की इच्छा ये नहीं है कि हमसे कठोरता से व्यवहार करे। प्रभु की इच्छा ये नहीं है कि हमको सजा दे। प्रभु की मुख्य इच्छा ये है कि हमसे अपना प्रेम प्रदर्शित करे। उसके बाद परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो उसका पहला स्टेप यह होना चाहिए कि हम प्रभु को पिता समझकर हमसे जो व्यक्ति बिना किसी सीमा के प्रेम करते हैं उस पिता के पास जाएं और उस पिता के सामने ये अंगीकार करें कि प्रभु जो कुछ होना है इस संसार में वो आपकी इच्छा के अनुसार होना है और आपकी संतान होने के कारण मैं इस बात को ग्रहण करता हूं कि वैसा ही होना है और मेरे जीवन में मैं जो कुछ करूंगा उसमें हमेशा मेरा प्रयत्न यह रहेगा कि प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो और जब मेरे जीवन में पूरी हो इस संसार में पूरी हो। प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना सिर्फ एक श्लोक नहीं है, प्रार्थना सिर्फ याद की हुई एक कोई चीज नहीं है जिसको प्रभु के सामने हमने रट के प्रार्थना कर ली, नहीं। प्रार्थना प्रभु के साथ बातचीत है। कैसी बातचीत? जैसे बच्चा अपने से प्रेम करने वाले पिता के साथ बात करता है, हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु को पिता मानते हैं, प्रभु ये भी मान लेते हैं कि जो कुछ मेरे जीवन में है वो सब प्रभु की इच्छा के अनुसार हो और उसके लिए मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूं। तीसरी बात, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। एक आप इसको ध्यान से देखें तो रोटी के अलावा कोई चीज यहां मांगी नहीं गई है शरीर के लिए, आत्मिक जीवन के लिए एक और चीज मांगी गई है। जनरली अपन ये मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, तीन चीजों की जरूरत है। सच है जब हम समाज में रहते हैं तो वस्त्र चाहिए, अपन मकान खरीदते हैं या मकान बनाते हैं क्योंकि रहने के लिए निवास होना जरूरी है। लेकिन प्रभु से प्रार्थना करते समय उस प्रार्थना में शारीरिक रूप से सिर्फ एक चीज मांगने के लिए प्रभु ने कहा है, रोटी, भोजन। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि जब प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि की और जब उसको अदन की वाटिका में रखा, तब से प्रभु की इच्छा है कि मनुष्य अपने स्वयं की मेहनत से अपने लिए
वस्त्र का इंतजाम करे, अपने स्वयं की मेहनत से अपने लिए भवन का इंतजाम करे। इसीलिए चोरी करना मना है। चोरी का मतलब है जो दूसरे का है उसको हम जबरदस्ती हड़प लेते हैं। दूसरे की जमीन को हड़पना गैर कानूनी कार्य है, क्योंकि हमने उसके लिए मेहनत नहीं की है। प्रभु यीशु के जो अनुयायी हैं और प्रभु यीशु के जो बच्चे हैं, उनके लिए जीवन का सबसे मुख्य जो आदर्श है, या मुख्य आदर्श जो हैं उनमें से एक आदर्श यह है, प्रभु से अपने लिए भोजन मांगो। प्रभु जब तुम्हारे लिए भोजन का इंतजाम कर देते हैं, तुम अपने स्वयं की मेहनत से अपने लिए वस्त्र और अपने लिए भवन का इंतजाम करो। आप कहेंगे तो इसका मतलब ये है क्या कि मैं प्रभु से वस्त्र के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं भवन के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता? क्या इसका मतलब है कि मैं अपने बच्चों और परिवार में अन्य लोग जो हैं उनके एजुकेशन के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक मनुष्य के जीवन में, शारीरिक जीवन में, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भोजन है। प्रभु से वो मांग लो। प्रभु तुम्हारे लिए भोजन का इंतजाम जब कर देते हैं, तो उसके बाद प्रभु ने तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन में जो जिम्मेदारियां रखी हैं, वो जिम्मेदारियां जाकर तुम पूरी करो। प्रभु ने तुम्हारे लिए जो जिम्मेदारियां रखी है उनको तुम पूरी करोगे तो तुम्हारे जीवन में वस्त्र आ जाएगा, भवन आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसलिए प्रभु ने इस प्रार्थना में और किसी चीज़ के बारे में नहीं कहा है। और यहाँ भी एक चीज़ का हम ख्याल रखें, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। प्रभु यीशु के अनुयायी लोगों को जीवन में बहुत अधिक संतोष सीखने की ज़रूरत है। जो प्रभु ने मुझे दिया, जो आज के जीवन के लिए दिया, प्रभु मैं उससे संतुष्ट हूँ। कल के बारे में मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कल के दिन मैं यहाँ हूँगा या नहीं। और यदि कल मैं हूँगा तो कल भी मैं आपसे अपनी ज़रूरत मांग सकता हूँ, याचना कर सकता हूँ। ये एक सोचने का हमारा तरीका होना चाहिए, या हमारा नज़रिया होना चाहिए। ये है प्रभु का मतलब। प्रभु ने इस प्रार्थना के द्वारा ना केवल प्रार्थना में कौन कौन सी बातें हमको प्रभु से याचना करनी है, ना केवल उसके बारे में बताया, बल्कि प्रभु के बच्चों का क्या नज़रिया होना चाहिए जीवन के प्रति, इसको भी स्पष्टतया बताया है। ठीक है, नंबर वन, प्रभु को पिता माने प्रार्थना में। नंबर टू, प्रभु का जो अधिकार है उसको हम स्वीकार करें। नंबर तीन, रोटी, और वो भी एक दिन की रोटी के लिए हम प्रभु से याचना करें। अब हम जानते हैं कि हमको दिन भर की रोटी के लिए याचना करनी है तो रात को नहीं बल्कि सुबह है, जिसका मतलब है कि प्रार्थना हर प्रभु यीशु के अनुयायी को सुबह सुबह उठकर प्रार्थना करने की आदत डाल लेनी चाहिए। उस जीवन में, उस दिन कुछ भी करने से पहले प्रार्थना की आदत डाल लेनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं 12वें पद में, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। भोजन के बाद और किसी चीज़ की चर्चा, शारीरिक या सांसारिक रूप से बिना किसी चीज़ की चर्चा किए हुए प्रभु यीशु सीधे क्षमा नामक विषय पर चले जाते हैं। इसके कारण है, कई बार हम नहीं जानते कि जीवन में शरीर के लिए भोजन और मन के लिए एक अच्छा स्वतंत्र मन होना जरूरी है। हम जानते हैं कि कितने ही अच्छे परिवार में आप क्यों ना पैदा हुए हों, अच्छे से मेरा मतलब है जिनका स्वभाव अच्छा है, कितने ही अच्छे परिवार में क्यों ना पैदा हुए हों, इसके बावजूद परिवार में लोगों से गलती हो जाती है। आपका बड़ा भाई या आपकी बड़ी बहन, अनजाने आपने जो गलती नहीं की है उस गलती के लिए आपको डांट देते हैं। या हो सकता है कि आपका बड़ा भाई या आपकी बड़ी बहन बहुत क्रूर हो, माँ बाप के बिना देखे हो सकता है वो आपसे मारपीट करता हो या करती हो, जबरदस्ती काम करवाता हो या करवाती हो। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके साथ अन्याय नहीं हुआ है।
यहाँ है क्या, आज मेरी वाणी जो लोग सुन रहे हैं इसमें ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो ये कह सकता है कि आज तक मेरे जीवन में कभी भी मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे साथ कोई अन्याय नहीं है, उसका मतलब है कि उसको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। जो व्यक्ति बुद्धि से नॉर्मल है वो जानता है कि होता है, परिवार में होता है, परिवार के बाहर भी होता है, नौकरी जहाँ करते हैं वहाँ पर भी होता है, हर जगह अन्याय होता है। मैंने अपने स्वयं के जीवन में देखा है, मेरे ही एक टीचर ने स्कूल में मेरे मार्क्स बिगाड़ दिए थे, इसलिए कि किसी और को मार्क्स देने थे। उससे उस साल मेरा सारा सब कुछ गड़बड़ा गया, जो कुछ सोचा था सब गड़बड़ हो गया। हम सब के साथ होता है, घर पे हो, स्कूल में हो, नौकरी कर रहे हो, ऐसा होता है। जब छोटा अन्याय बड़ा अन्याय होता है। प्रभु चाहते हैं कि प्रभु के बच्चे उनके साथ जो भी अन्याय होता है उसको तुरंत क्षमा कर दें। प्रभु ने ये नहीं कहा कि मुझसे जिन्होंने माफी मांगी प्रभु मैंने उनको माफ कर दिया, नहीं नहीं यहां लिखा है प्रभु हमने हमारे साथ जिसने भी अन्याय किया उसको क्षमा कर दिया। प्रभु यीशु के अनुयायी, प्रभु यीशु के बच्चों का यह नजरिया, ये एटीट्यूड होना चाहिए। हर सुबह उठकर कल मेरे साथ किस किस ने गलत काम किया, फलाने 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 ने किया, मैं चूंकि प्रभु यीशु की संतान हूँ, प्रभु का बच्चा हूँ, मैं उसको क्षमा करता हूँ। ये हमारा नजरिया होना चाहिए। प्रभु लिखते हैं तभी तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु जैसे हमने क्षमा किया वैसे हमको क्षमा कीजिए। आगे जब हम पढ़ते हैं वहाँ प्रभु स्पष्टतया बोलते हैं यदि तुम नहीं क्षमा करोगे मैं भी नहीं करूँगा। मतलब क्षमा ना करना प्रभु यीशु के बच्चों के जीवन में एक बहुत बहुत बड़ा पाप माना गया है। तो शरीर के लिए भोजन चाहिए, उसी तरह से आत्मिक जीवन में हमको फ्रीडम, आज़ादी चाहिए। जरूरी है कि हम जिन्होंने हमसे गलत काम किया है उन सबको क्षमा करके प्रभु से क्षमा प्राप्त करें, और उसके बाद हमें परीक्षा में ना लाइए, बुराई से बचाइए। देखिए जो भी प्रभु की संतान है उसके जीवन में तमाम तरह की परीक्षाएं आती है, ये गलत काम करो, वो गलत काम करो, ऐसा करो वैसा करो, और ये उसके जीवन में सबसे बड़ी बुराई बन सकती है। और इसलिए तीसरी याचना है, प्रभु हमको इन परीक्षाओं से बचाव दीजिए जिससे कि मेरे जीवन में ये बुराइयाँ ना आए, जिससे मैं उसमें ना फंस जाऊँ। और उसके बाद वो प्रार्थना समाप्त हो जाती है। वहाँ लिखा हुआ है राज्य पराक्रम और महिमा आपकी है, आमीन। आमीन शब्द का हम लोग बार बार प्रयोग करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, एक हिंदी शब्द नहीं है। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। तो जब अपन प्रभु से कोई याचना करते हैं तो सबसे आखिर में आमीन बोलने की एक आदत है, जिसका मतलब है हे प्रभु ऐसा ही हो जाए। या प्रभु, जब हम प्रभु से बोलते हैं हे प्रभु ऐसा ही हो जाए, तो हमारे कहने का मतलब है प्रभु हमारी इच्छा यह है, आपके सामने रख दी है, आप हमारी मदद कीजिए। एक बच्चा जब अपने माँ बाप से प्रार्थना करता है तो उसके पास 50 बातें माँ बाप से बोलने के लिए होती हैं। प्रभु यीशु के बच्चे जो प्रभु से बात करते हैं तो उनके पास भी 50 बातें होती हैं, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण पहली बात ये बात समझना कि परमेश्वर पिता के समान हमसे व्यवहार करते हैं। दूसरी बात ये समझना कि परमेश्वर की इच्छा जैसे पूरी हो उसके लिए हमें अपने जीवन अर्पित करना है। तीसरी बात प्रभु से एक एक दिन के भोजन की हम याचना करें, और प्रभु जब देते हैं तो बाकी सारे कार्य जो प्रभु ने हमको दिए हैं वो विश्वास योग्यता से पूरी करें। तीसरी बात हर दिन जिसने हमारे साथ बुराई है उसको क्षमा कर दें, जिसके द्वारा प्रभु से क्षमा प्राप्त करके हम एक खुश जीवन बिता सकें। और जब इस तरह से खुश जीवन बिताते हैं तो प्रभु की मदद के लिए याचना करें कि प्रभु संसार के पाप, संसार के आकर्षण, संसार की बुराइयों से मुझे बचा कर रखें। यह है प्रार्थना का सारांश, और यह है हर दिन हमको प्रभु के सामने जो प्रार्थना करनी है उसकी जरूरी बातें। इसके अलावा हो सकता है और भी 50 बातें हमारे मन में आएं, उन सब के लिए प्रार्थना जरूर करें,
जिससे कि प्रभु को हम अपनी जरूरत बताएं, प्रभु जान सके कि हमारी जरूरतें क्या है। प्रभु ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन हमारे मुंह से सुनना प्रभु चाहते हैं। लेकिन आज जितने लोग मेरी वाणी यहां सुन रहे हैं, इसमें से हो सकता है कि एक या दो व्यक्ति ऐसे हों जिन्होंने कभी प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ना तो देखा है, ना समझा है, ना पाया है। उन लोगों के सामने भी मैं बाइबल से एक छोटा सा हिस्सा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जस्ट सुन लीजिए। प्रभु के ही शिष्य थे यूहन्ना। यूहन्ना ने भी प्रभु के जीवन की रचना की है। उनके तीसरे अध्याय के 17वें पद में हम देखते हैं, प्रभु ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए कि जगत उनके द्वारा उद्धार मुक्ति पाए। प्रभु 30 साल की उम्र में सेवा कार्य के लिए निकल पड़े। 3.5 साल तक उन्होंने सेवा की, 12 मुख्य शिष्य बनाए, 70 उप शिष्य बनाए। उसके अलावा 10,000 में प्रभु के अनुयायी थे। इन सब महान कार्यों को प्रभु ने जब किया तो उस जमाने के धार्मिक अगुए प्रभु से बहुत नाराज हो गए, क्योंकि ये धार्मिक अगुए धर्म का उपयोग लोगों को गुलामी में रखने के लिए करते थे। प्रभु ने इन 3.5 सालों में यह बात बताई कि परमेश्वर, प्रभु ईश्वर किसी भी मनुष्य को गुलामी में रखना नहीं चाहते हैं, वे हर व्यक्ति को आजादी देना चाहते हैं। और आजादी देने के लिए मैं इस संसार में आया हूं। प्रभु ने बार बार ये बात रिपीट करके अपने शिष्यों के सामने बोली थी, देखो एक समय आएगा जब लोग धोखे से मुझे गिरफ्तार करके मेरी हत्या कर देंगे, सूली पर चढ़ा देंगे। उस जमाने में सूली पर चढ़ा के लोगों को मार दिया जाता था, मार डाला जाता था। जैसा प्रभु ने कहा बिल्कुल वैसा ही प्रभु यीशु की सेवा पर्व के 3.5 साल होने के बाद प्रभु से जो लोग ईर्ष्या करते थे, उन लोगों ने प्रभु को बहुत ही छल के साथ गिरफ्तार करके, बहुत ही छल के साथ न्याय करके प्रभु को सूली पर चढ़ाकर प्रभु की हत्या कर दी। लेकिन ये तो प्रभु ने पहले ही बोल दिया था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि उनको लगता है कि उन लोगों ने मेरी हत्या कर दी। लेकिन वे लोग ये नहीं जानते हैं कि मैं तुम लोगों को नया जीवन देने के लिए सूली पर अपना बलिदान कर रहा हूं। प्रभु की मृत्यु के बाद उनको उसी दिन दफना दिया गया था, लेकिन 3 दिन और 3 रात के बाद प्रभु पुनर्जीवित हो गए। और पुनर्जीवित होने के बाद प्रभु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिया। 40 दिन तक वे अपने शिष्यों को दर्शन देते रहे। और इन 40 दिनों में प्रभु ने बार बार एक बात जो अपने शिष्यों को बताई, मैं इस संसार में मनुष्य को सजा देने के लिए, दंड देने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि उसको नया जीवन दूँ। वही है ये जो मैंने आपके सामने ये जो पोर्शन पढ़ा था, यही बात है जो प्रभु ने कही कि प्रभु की इच्छा नहीं है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि मनुष्य समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, उसको सजा मिले। परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य सदा सर्वदा प्रभु के साथ रहे। कैसे रहे, रहने में क्या अड़चन है? अड़चन यह है कि हर मनुष्य पापी है। किसी बच्चे को झूठ बोलना सिखाना पड़ता है क्या? नहीं, झूठ अपने आप बोलता है। सारे गलत काम वो अपने आप करने लगता है। क्यों? इसलिए कि मनुष्य जन्म से पापी है। पापी व्यक्ति के लिए बाइबल बताती है पाप की सजा मृत्यु है। उस मृत्यु से मनुष्य को बचाने के लिए प्रभु यीशु ने सूली पर मृत्यु को सहन कर लिया था या वहन कर लिया था। लेकिन मृत्यु के 3 दिन के बाद प्रभु पुनर्जीवित हो गए, जिसका मतलब यह है कि मेरे और आपके स्थान पर प्रभु ने सूली पर अपनी मृत्यु के द्वारा जो प्रायश्चित किया, जो बलिदान किया, उसको ईश्वर ने, परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया।
इस कारण ये संदेश 100 बार नहीं 1000 बार आप में से हरेक के सामने रखने में मुझे खुशी होती है कि मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आपने इस संसार में जन्म लिया है और इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसका झुकाव बुराई बुराई और सिर्फ बुराई की तरफ है, इसलिए कि वो पापी है। पाप की सजा है मृत्यु, अनंत मृत्यु, जिससे हमको कोई छुड़ा नहीं सकता। लेकिन प्रभु ने कहा, मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम्हारे लिए सूली पर मैंने उस मृत्यु को धारण कर लिया है, उसका वहन कर लिया है, तुम्हारे लिए मैंने अपना बलिदान दिया है, इस कारण तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, दिल में दर्द की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे पास आ जाओ, मेरे सामने आके फलानी बातें मान लो। हे प्रभु, मैं पापी हूं। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि पाप की सजा अनंत मृत्यु है। हे प्रभु, लेकिन मैं आज इस बात को पहचान गया हूं, सूली पर मेरे लिए आपने मृत्यु को धारण किया, आपने वहन कर लिया, जिससे कि मैं अब मृत्यु से बचकर नया जीवन पा सकूं। आज इसी क्षण मैं आपको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूं। मैं मान लेता हूं कि आपके सूली पर के उस बलिदान के द्वारा आपने मेरे लिए नवजीवन का प्रावधान किया है, मेरे लिए नवजीवन अरेंज किया है, और आज अभी इसी समय इसी क्षण वो नवजीवन मैं ग्रहण कर लेता हूँ। मैं एक बालक था जब मेरे पिताजी ने यह संदेश मुझे सुनाया। पिताजी की वाणी को सुनकर उस क्षण मैंने घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपना जीवन सूली पर दिया, मैं इसको ग्रहण करता हूँ। उस क्षण से मेरे जीवन में एक नई आशा है, एक नया ज्ञान है कि हाँ, अब मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मेरे साथ यहाँ पर आज जितने लोग बैठे हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जो ये बता सकते हैं कि जब मैं 10 साल का था, 15 का था, 20 का था या 25 का था, तब एग्जैक्टली इसी तरह से मैंने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया, और तब से मेरे जीवन में खुशी, शांति और आनंद है, क्योंकि अब मुझे नरक की सजा से मुक्ति मिल गई है। मेरी विनती है कि मेरी वाणी जो लोग सुन रहे हैं, उनमें से यदि कोई व्यक्ति, कोई भाई या बहन ऐसे हैं जिन्होंने इस नए जीवन को नहीं पाया है, तो आज इस हॉल को छोड़ के जाने से पहले इस नए जीवन को जरूर पा लें। आप कहेंगे, अंकल जी बात एकदम से स्पष्ट नहीं हुई है। कोई बात नहीं है, नई चीज़ समझने में समय लगता है। हम में से ऐसे कई लोग हैं जो इन बातों को आपको समझाने के लिए समर्पित हैं। बस आके बात कर लीजिए, हम ये बातें आपको एक्सप्लेन करेंगे, हम ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझा देंगे। बाकी लोग जो बैठे हुए हैं, इन लोगों ने जो नया जीवन पाया है, उस नए जीवन की खुशी के कारण यहाँ आए हैं, उस खुशी को आप भी पा लीजिए, आप भी उसको अपना लीजिए, ये मेरी विनती है। जिन्होंने इस नव जीवन को पाया है, उन भाइयों और बहनों को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर की वाणी नियमित रूप से सुनना जरूरी है। जैसे बच्चे को माँ बाप की आवाज़ सुनना जरूरी है, उसके लिए परमेश्वर का वचन नियमित रूप से पाठ करें। नंबर दो, बच्चा जिस तरह से माँ बाप के साथ बात करता है, मेरे और आपके लिए जरूरी है कि नियमित रूप से प्रभु के साथ वार्तालाप करें। जरूरी है कि हम हर दिन सुबह सुबह, क्योंकि जब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दिन भर की रोटी दे, तो उसका मतलब है कि सुबह है, सुबह सुबह प्रभु से प्रार्थना करना ना भूलें। लेकिन प्रार्थना को सिर्फ सुबह तक रेस्ट्रिक्ट ना करें। बच्चा माँ बाप से दिन भर बोलता है, उसी तरह से हम भी इवन मन में, इवन रोजी का काम करते समय मन में हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए प्रार्थना हमारे जीवन का एक नियमित भाग बन जाए, उसके लिए प्रभु हमारी मदद करे। आज इस तरह से आप इतने लोग एकत्रित हुए, अच्छा लगा। नियमित रूप से आइए, और हर एक व्यक्ति यदि कम से कम एक एक दोस्त को बुला के लाए, तो आपको जो
खुशी और आनंद मिला है वो खुशी और आनंद दूसरों के साथ बांट सकेंगे, जो हमको मिला है वो दूसरों को देना जरूरी है। तो अपने दोस्तों को भी आने को बोलिए, इतने लोगों से संगति के लिए जो अवसर मिला उसके लिए मैं भी बहुत खुश हूँ। और परमेश्वर के वचन से ये सारी बातें बताने के लिए प्रभु ने जो मदद की है उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। और मेरी प्रार्थना और प्रभु से विनती है कि इन बातों के द्वारा आप सबको बहुत अधिक आत्मिक अनुग्रह मिल सके। प्रभु आपकी मदद करे। जय मसीह की।